कहते हैं कि दिल तक पहुंचने के रास्ते बहुत दुश्वार होते हैं। ऐसे ही दुश्वार रास्तों को सरल करते हैं सीमा सड़क संगठन के कर्मयोगी। पथरीली राहों, मुश्किल हालातों और बिगड़े मौसम के बीच पक्के और मजबूत रास्तों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में एक के बाद एक नई ऊंचाई को हासिल करता सीमा सड़क संगठन नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। इसके मद्देनजर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उमिंगला पास में मेडिकल सुविधा की शुरुआत की गई है। इस पूरे अभियान में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ब्रिगेडियर DDG मेडिकल श्री नरेश धवन, जो दे रहे हैं पूरी जानकारी। Border Road Organization has got 15 major projects and altogether we have 129 medical echelons. ये 69 critical care ambulances DGBR महोदय के निर्देशन से इसको All India Institute of Medical Sciences के trauma center से बात करके डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जो भी हमने gadgets लगाए हैं, जैसे defibrillator है, there is a cardiac monitor, there is a suction apparatus, there is a dual oxygen source supply to give the stability to this equipment, because ये ambulances 4x4 है और ये mostly हमारे high altitude area के अंदर deploy होंगी। जैसे आपको पता होगा कि पीछे सिक्किम के अंदर जहां हमारा प्रोजेक्ट स्वास्तिक चल रहा है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, फिर वहां पर एवलांच आया था, तो काफ़ी करीबन 1000 के करीब वहां पर बिफोर NDRF और दूसरी हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज पहुंची थी। सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मयोगी ने किया था। तो वहाँ पर अगर ये एम्बुलेंस प्लेस की जाती है तो डेफिनेटली, एंड पेशेंट तो मरीज तो मरीज है, हमारे फौजी भाई, हमारे बॉर्डर रोड्स के कर्मयोगी और हमारा जो सिविलियन स्टाफ है, क्योंकि हमारे बॉर्डर रोड्स पे काफ़ी सारे CPL जिनको हम मजदूर कहते हैं उनकी भी तादाद बहुत है, और उसके अलावा हमारे जो बॉर्डर रोड्स पे रहने वाले सिविलियन पॉपुलेशन है, जो सामान्य जन लोग हैं, उनको भी हम कवर देते हैं। कभी भी किसी को ज़रूरत होती है तो बॉर्डर रोड कभी पीछे नहीं हटता किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए।